विराट को जब ये पता चलेगा कि सवी जो है उसकी बेटी है तो वो पूरी तरीके से फिर से पछताने वाला है। वो फिर से पछताने वाला है कि बार बार वो वही गलती क्यों करता है, बार बार वो सई पर शक क्यों करता है, बार बार वो सई की बात क्यों नहीं मानता है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि जो विराट है उसके दिमाग में आएगा कि आखिर जो है वो सवी किसकी बेटी है। उसको बार बार यही सोचेगा कि शायद जगताप के साथ रिलेशनशिप में रही है सई और जगताप की बेटी है सवी। इसके साथ ही साथ विराट को थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि सई ने चिल्लाकर कहा था कि हमारी बेटी को बचा लो। एक तो वो सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपको ये भी पता ही है कि सई जो है वो कभी भी चीज़ों को नहीं बताएगी, विराट को नहीं बताने वाली है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। अगर विराट पूरी तरीके से ऐसे हक से पूछेगा तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। वो तभी विराट को सब कुछ सच बताएगी जबकि सारी चीजें विराट की तरफ से भी क्लियर हो जाएंगी। माना ऐसा जा रहा है कि चौहान फैमिली में जब वो पहुंचेगी, यानी चौहान हाउस जब वो पहुंचेगी और वहां की सारी सिचुएशंस वो देखेगी, तब हो सकता है कि जो सही है वो विराट को सारी सिचुएशन बताए। और इसके साथ ही साथ प्रेडिक्शन ये भी कहा जा रहा है कि जो सवी है वो भी बता सकती है जगताप को कि जगताप जो है वो उसका फ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो सवी है उससे विराट जरूर पूछेगा कि ये कौन है जिसके साथ तुम इतना ज्यादा खेलती हो, तुम बताओ। तो आपको पता ही है कि सवी जो है वो कैसे फटाफट बोल देती है, वो बोल देगी वो तो मेरे दोस्त हैं। वेल सई जो है ये भी बताएगी विराट को कि जो मेरी आई है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जग्गा को। तो ये सारी चीजें जो है वो विराट इसके जरिए भी पता कर सकता है, यानी कि इसके जरिए भी विराट को पता चल सकता है। खैर सवी के बारे में जब विराट को सारी चीज़ें पता चलेंगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा वक्त इस वजह से लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा कहानी को अभी आगे बढ़ाना है। आप सबको मालूम ही है कि इतनी जल्दी चीज़ें जो है अगर आ गई तो फिर कहानी में मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन जो है वो तो सबको समझ में आ गया है, बाकी जो है उसका इरादा नेक है। फिलहाल तो उसका इरादा बिल्कुल नेक लग रहा है, पॉजिटिव हो चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी की डेथ भी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो शो के बंद होने की बात भी सामने आ रही है, ऐसा सोर्सेज अब बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये शो जो है वो आगे बढ़ाया जाए और ये शो बंद ना हो, क्योंकि इसकी टीआरपी बहुत ही अच्छी है। जो विराट है वो लगातार भले ही ट्रोल होता रहे, भवानी को लोग भले ही खरी खोटी सुनाते रहें, पाखी को भी उल्टा सीधा बोलते रहें, लेकिन अभी जो शो है वो टीआरपी में अच्छा खासा है। और जब से ये शो शुरू हुआ है तब से ही टीआरपी इसकी बहुत अच्छी रही है। और अगर बंद होता है शो तो ज़्यादातर तभी बंद होता है जब फैंस को शो पसंद नहीं आता या फिर टीआरपी गिर जाती है। ऐसे में सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या सच में ये शो बंद हो जाएगा। खैर अभी ये जो पाखी वाली बात है कि की डेथ हो जाएगी, वो बात भी कंफर्म अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि कुछ सोर्सेज हैं जो कि ये बता रहे हैं कि पाखी की डेथ हो जाएगी, कोई गंभीर बीमारी होगी। सई और विराट का जो है वो मिलन होगा और सई को भी विराट के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि विराट जो है अभी भी सई को बहुत प्यार करता है। यहाँ पर विराट को भी सई के बारे में पता चलेगा कि सई ने किसी से शादी वादी नहीं की और वो उसी की बच्ची है, और साथ ही साथ इतने वक्त तक वो लोगों से लड़ती रही, अपने आप चीज़ों को मैनेज करती रही और एक गलतफहमी की वजह से वो भी यहाँ पर चौहान हाउस नहीं आई। तो विराट और सई तो मिलने वाले हैं, इसके साथ ही साथ पाखी की डेथ होने वाली है। अब देखना होगा कि कहानी आगे किधर लेकर जाती है। फिलहाल विराट को जैसे ही पता चलेगा कि सभी उसकी बेटी है, एक बार फिर से सई के सामने बेहद शर्मिंदा होगा विराट और काफी ज्यादा पछताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो और फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।